केंद्रीय जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में लिया प्रतिभाग। महानगर में 3 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी ने किया महानगर में 3 रैन बसेरों का निरीक्षण। ठहरे जरूरतमंदों में वितरित किया भोजन। रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों से व्यवस्था के लिए जानकारी। कहा हर जरूरतमंद को दे रैन बसेरे में अच्छी सुविधा। रैन बसेरों के बाहर अन्य जरूरतमंदों को भी मुख्यमंत्री के हाथों मिला भोजन व कम्बल का संबल। काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में हुआ देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पीएम मोदी के पंच प्रणों से जुड़े हर एक नागरिक। गैंगस्टर एक्ट के तहत गोपाल यादव और सहयोगी नीरज यादव की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया जब्त। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रपाल बिहार से महानगर में निकाला गया भारत जोड़ो यात्रा। कहा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा जब जब देश पर संकट आया है मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के बचाई है देश की अस्मिता। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के समापन के अवसर पर एमजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में गोरखपुर के जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं यज्ञ हवन का किया गया आयोजन। शहीद अशफाक उल्ला खान के पौत्र अशफाक उल्ला खान ने कहा आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्हें नमन। काकोरी एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों की स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा काकोरी के बलिदानी वीर अमर शहीदों ने आजादी की खातिर दिया था बलिदान जिससे आंदोलन को मिल सके एक नई दिशा।